एक वृद्ध महिला के साथ बदसलूकी कर रही पुलिसकर्मियों की एक तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि यह चंडीगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन की है। इस तस्वीर को कई लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पुलिस की निंदा कर रहे हैं। जिस हैशटैग के साथ इस तस्वीर को शेयर किया गया है वो है चंडीगढ़ पुलिस किसान विरोधी। किसान आंदोलन के अलावा भी एक संदर्भ है जिसके साथ इसे शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के प्रदेश भर के दफ्तरों के बाहर 2 जुलाई को प्रदर्शन किया। किसान पेट्रोल के बढ़ते दामों और सिंचाई के लिए अनियमित ऊर्जा संचालन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ये प्रदर्शन पंजाब भर में हुआ था। जब हमने इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया तो मालूम पड़ा कि यह तस्वीर पटियाला के निकट हरियाऊ गांव की है और इसे 2015 में खींचा गया था। इस मौके पर किसान गैर कानूनी तरीके से पंचायत की जमीन हड़पने के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन को जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त हुआ था, लेकिन गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। स्थानीय किसान नेताओं ने बताया कि उस जमीन से उन्हें हटाए जाने पर स्टे ऑर्डर जारी किया जा चुका था, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। इस पूरी कवायद में जो हिंसा हुई उसमें 12 किसान और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। यानी इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च इस वायरल दावे को खारिज कर देता है। साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि इस तस्वीर में जितने भी लोग दिख रहे हैं उसमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। यानी इसे देखते ही लोगों को यह शक हो जाना चाहिए कि यह तस्वीर हाल फिलहाल की तो नहीं है।